चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे, आपको लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में अभी तक आप लोगों ने इंडेमनिटी गारंटी पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएंगे। जैसे आप जो जुडिशियरी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर JLO है, लॉ ऑफिसर के लिए कर रहे हैं, APO वगैरह के लिए कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग साथ साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखते चलेंगे। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके जो प्रमाणित आंसर हैं ऑप्शन दूंगा। आपको करना क्या है, आपको उन प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढने हैं और उसको हम इस कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपके इसके उत्तर पे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं उसको आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ, आप इसको देखिए। कुछ प्रश्न हैं, 8-10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर, एडमसन बनाम जार्विस, ये वाद आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस पर निर्देशक वाद है? ठीक है, एडमसन वर्सेस जार्विस का ऑप्शन है आपके सामने, निदान उसको लेकर के है, क्षतिपूर्ति की संविदा को लेकर के है, या प्रत्याभूति की संविदा को लेकर के है, या गिरवी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और इसको पढ़ चुके हैं। दूसरा एक क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल प्रश्न है आपके सामने, ब से अ संविदा करता है कि यदि वह ब को एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपया देने में असफल रहा, तो वह ब को 1,000 रुपया देगा। ठीक है, एक संविदा करता है, अ उस दिन ब को 500 रुपया देने में असफल रहता है, तो वैसी स्थिति में ब, ये जो ब है, ब निम्नलिखित प्रतिकर अ से वसूल करने का हकदार है। ऑप्शन है आपके सामने, ऐसा कोई प्रतिकर जो अदालत युक्तियुक्त समझे। ठीक है, दूसरा, 500 रुपया से अनधिक प्रतिकर जो अदालत युक्तियुक्त समझे, एक ये हो सकता है, या 1,000 रुपया से अनधिक प्रतिकर
जो अदालत युक्तियुक्त समझे। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्षतिपूर्ति की संविदा, गारंटी पढ़ चुके हैं, आप देखिए क्या है ये और इसको सॉल्व कीजिए। तीसरा, संविदा विधि के अंतर्गत, जो हम लोग ऑलरेडी संविदा विधि की ही बात कर रहे हैं, तो संविदा विधि के अंतर्गत प्रतिभू के दायित्व की सीमा प्रदत्त की गई है। प्रश्न कई बार क्या अक्सर ही प्रश्न धारा से संबंधित पूछे जाते हैं, तो आपको ये धारा भी मालूम होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट धारा है जो याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, तो ये धारा से इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं, इसको आप देखिए। सी धारा 127 और डी धारा 128, इसमें से किस में बात किया गया है, ठीक है। चौथा फिर एक आपको इस बात के प्रतिफल स्वरूप कि ब अपनी जमींदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिए सौ को नौकर रखेगा, सौ द्वारा उन भाटकों के सम्यक संग्रह और संदाय के लिए 5,000 रुपये की रकम तक उत्तरदायी होने का वचन प को देता है, ठीक है। ये आपके पास एक प्रश्न है, तो यह क्या है, यह है क्या है, यह आपने पढ़ा है। कोई प्रत्याभूति नहीं है, कोई प्रत्याभूति नहीं है। बी ऑप्शन है साधारण प्रत्याभूति है। सी चरत प्रत्याभूति है और डी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आगे पांचवा प्रश्न, चलत प्रत्याभूति, चलत प्रत्याभूति मतलब चलत गारंटी प्रत्याभूति कहाँ परिभाषित है,
सेक्शन 124 में, सेक्शन 129 में, सेक्शन 146 में और डी है सेक्शन 147 में। ठीक है, छठा छठा पर एक फिर एक आपका एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप। अ स से बैंक के प्रबंधक के रूप में, हाँ बैंक के प्रबंधक के तौर पर ब के आचरण के लिए स के प्रति प्रतिभू होता है। तत्पश्चात अ की सम्मति के बिना ब और स संविदा करते हैं कि ओवरड्राफ्टों से हुई हानि का एक भाग हाँ और वो एक भाग क्या है, तो एक भाग है चौथाई भाग, एक चौथाई भाग का ब दाई होगा। ठीक है, ब एक ग्राहक को ओवरड्राफ्ट देता है, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, मैं आपको ये बता चुका हूँ। ओवरड्राफ्ट देता है, कई जो दृष्टांत हैं उसमें इस तरह के उदाहरण रहते हैं, उसी उदाहरण पे ये आपका प्रश्न है। और बैंक को हानि होती है और इस हानि को पूरा करने के लिए क्या होगा, क्या अ पूर्णतः दाई है या दाई नहीं है या एक चौथाई की सीमा तक दाई है या तीन चौथाई की सीमा तक दाई है। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं, ये भी आपके दृष्टांत पे है। अ ब का कर्जदार है, ठीक है, वह अ ब को यह अधिकार प्रदान करता है कि ब उसका मकान बेचकर जो विक्रय बेचने पर जो पैसा आएगा विक्रय आगमों से अपना ऋण संदाय कर ले।
किसी अव्यक्त संविदा के अभाव में, ये अव्यक्त संविदा नहीं, इस तरह का नहीं हुआ है, बस ये एक बात करता है, तो किसी अव्यक्त संविदा के अभाव में, अब बताना है आपको, ये ऑप्शन है कि अ अभिकरण का प्रतिसंहरण कर सकता है, अभिकरण का संहरण कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है अभिकरण का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है अभिकरण अ की मृत्यु पर, ये जो अभिकरण अ की मृत्यु पर प्रतिसंहरित नहीं होता है, प्रतिसंहरित नहीं होता है, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है। तो ये थे प्रश्न आपको कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में को लेकर के, ये 7 प्रश्न हैं, आप इस प्रश्न को हल कीजिए, ऑब्जेक्टिव इसको सर्च कीजिए, किताबें देखिए और बनाइए, और फिर कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।